हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। इस डिजिटल दुनिया में प्यारे बच्चों, कितनी चीज़ें आसान हो गई। देखो ना कि हम कहीं भी रहते हैं, आप कहीं भी रहते हो, वीडियो टाइम पर मिल जाए तो आप देख लेते हो और बढ़िया से क्लास हमारा हो पाता है। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग बताना, आप सभी लोग ठीक है ना? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर। ठीक है जी, कहते हैं कि जब थक जाओ तो आराम कर लो। हाँ, जब थक जाओ तो आराम कर लो, लेकिन कभी हार मत मानना। ये मत कहना कि गुरुजी हमसे हो ही नहीं पाएगा। अरे आप थक गए हो ना, थोड़ा सा आराम कर लीजिए, ठीक है, फिर आप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जल्दी से आप अपने सभी दोस्तों को बुला लीजिए, शेयर करके इस वीडियो को जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं। अगर आप लाइव या फिर रिकॉर्डेड सॉरी लाइव में देख रहे हैं, प्रीमियर में, तो आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, बहुत ज़्यादा। इस वीडियो की खासियत क्या है पूछो। प्यारे बच्चों, ये हमारा मॉडल सेट बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। मैं झूठ बोलता नहीं, इसलिए मैं कहूँगा ये 2021 का मॉडल सेट है, 2023 का नहीं है, 2022 का नहीं है, ठीक है। ये मत कहना गुरुजी 2022 का मॉडल पेपर दो, 2022 का जी अभी नहीं आया है, ठीक है ना। 2021 का मॉडल पेपर हमारे पास है प्यारे बच्चों, वो मॉडल पेपर ये मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। आप देखना 2022 मैंने 2021 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, और 80 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं इसमें। 80 में आप कितना सही करते हो वो देखना, ठीक है। 80 में अगर आप कम से कम, भाई मेरे, अगर 80 में आप लोग कम से कम 75 सही कर लेते हो ना, 75 जो बच्चे कर लेते हो, 70 भी कर लो तो, बनाना तो 40 ही था, बनाना तो 40 ही है, तो अगर इसमें आप 70 भी करते हो तो बहुत ज़्यादा है, समझो, ठीक है। देखते हैं कितना करते हो आप सभी लोग। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना मत, पूरे क्वेश्चन को अच्छे से देखो, अपने सभी दोस्तों को बुला लो, कोई बच्चा छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि चीज़ें बहुत अच्छी हो रही है। सबको कह दीजिए गुरु जी का ये क्लास आ चुका है। पहला क्वेश्चन पढ़ो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा गया है भाई मेरे। पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। देखो मैं इसमें डिटेलिंग कुछ नहीं करने वाला हूँ, बस टिक लगाऊंगा। हाँ, डिटेलिंग वाला जब मैं पढ़ाऊंगा तो ऋणात्मक होता है अवतल दर्पण का। प्यारे बच्चों, किसका होता है? अवतल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, क्वेश्चन था दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। भाई मेरे, दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ और वक्रता त्रिज्या यानी आर में संबंध क्या होता है, आप सबको पता है ना, ऑप्शन देख के जल्दी बताइए। एफ जो होता है वो आर का आधा होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन है कि सामान्य दृष्टि के लिए, देखो बिहार बोर्ड के द्वारा मॉडल पेपर जारी किया गया 2021 में, वही क्वेश्चन पूछा गया है। सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। सब 25 है, पर आपको देखना है 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग, रंग वर्ण है ना, कौन सा रंग है ना, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद कम कम झुकता है, सबसे कम कौन सा झुकता है। तो प्यारे बच्चों, सबसे कम झुकने का काम किसका है जल्दी बताओ, सबसे कम झुकता कौन सा है। तो देखो, लाल का केवल तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है, बाकी सब कुछ कम होता है, तो झुकना कम किसका होता है, लाल का होता है। अगले क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है जी, क्वेश्चन है कि मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है। देखो, मानव नेत्र का जो रेटिना पर छवि बनता है ना बच्चों, वो कैसा बनता है, तो वो वास्तविक होता है और उल्टा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है। बच्चों, आकाश का रंग नीला क्यों होता है, पता है ना आपको कि नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, ऑप्शन नंबर बी, नीले का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है जी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा प्राप्त होता है, किस दर्पण से वस्तु का जो फोटो है वो बड़ा बड़ा मिल सकता है। तो बच्चों, बड़ा मिलता है अवतल से, उत्तल से छोटा मिलता है, और समतल से बराबर मिलता है। तो ये चीज़ें तो आप पहला, कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, मज़ा आ रहा है ना। ऐसा बोर्ड में आ जाए, हे भगवान, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट निकट दृष्टि दोष को ठीक करने में होता है। तो बच्चों, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए क्या चाहिए, तो निकट में तीन अक्षर होता है। तो जब तक बच्चों कहते हैं बीमारी तीन है तो इलाज चार होना चाहिए, क्योंकि इलाज जो है ना बीमारी से बड़ी होनी चाहिए। तो तीन है बच्चों, तो चार वाला यानी अवतल होगा। कितना आसान आसान क्वेश्चन आ रहा है सर, ऐसा आ जाए एग्जाम में, हाँ बच्चों जरूर आता है। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है, कौन सा इसमें उपकरण है जो सिर्फ ये बताता है कि विद्युत धारा है या नहीं है। तो बच्चों गैल्वेनोमीटर, याद रखना गैल्वेनोमीटर जो होता है ना, विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 आता है कि दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। बच्चों अंगूठे का नियम पढ़ा है आप लोगों ने, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम को आपने पढ़ा होगा, उसमें फ्लेमिंग साहब कहते हैं कि अगर आपकी तर्जनी
चुंबक के क्षेत्र की दिशा बताती है, मध्यमा धारा की दिशा बताती है, तो अंगूठा अंगूठा जो है ना वो बल की दिशा बताता है। तो बच्चों दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम किसने बताया था? तो फ्लेमिंग ने, है ना, फ्लेमिंग ने बताया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, फ्लेमिंग साहब ने ये नियम दिए थे। मैं तो आप कुछ लाइट कम करो तो भाई, देखो थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है लाइट। अगला क्वेश्चन क्या आता है? अगला क्वेश्चन क्या आता है कि विभवांतर का एसआई मात्रक बताओ क्या होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों? विभव या विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ओम किसका होता है? प्रतिरोध का होता है। कूलम्ब किसका होता है? आवेश का होता है। एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? कैसे हम जोड़े कि प्रतिरोध का मान बढ़ जाए? बच्चों प्रतिरोध का मान बढ़ता कैसे है? तो जब आप श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, और पार्श्व क्रम में जोड़ोगे तो प्रतिरोध का मान घटेगा। अगला क्वेश्चन आता है कि चुंबक के बल की रेखाएं होती हैं। बच्चों मैंने बताया था, चुंबक के बल की रेखाएं जो होती हैं बाहर में अगर देखोगे तो उत्तर से दक्षिण जाती है, अंदर में दक्षिण से उत्तर आती हैं। ये काल्पनिक होती हैं, एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, ठीक है ना? तो बच्चों काल्पनिक होती हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिखा गया है हमारा कि एक, है ना, किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? ध्यान रखना बच्चों, मैंने पढ़ाया था ना किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। ऊर्जा का ऐसी मात्रक जूल होता है ना, और ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है, और बच्चों ये एक यूनिट के बराबर होता है, और एक यूनिट में होता है 3.6 × 10^6 जूल। देखो ऑप्शन में कहाँ पर है, 3.6 × 10^6 जूल, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। चलो भाई अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आता है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है ना? कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? तो नाभिक की ऊर्जा तो नवीकरणीय है, सौर ऊर्जा भी है, कोयले से प्राप्त ऊर्जा नहीं है बच्चों, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा ये भी नहीं है, ठीक है ना? तो यहाँ पर नाभिक के भी नहीं होगा, नवीकरणीय ऊर्जा में यहाँ पर सौर ऊर्जा को देखा जा सकता है, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर बी सही है, सौर ऊर्जा, ठीक है ना, नवीकरणीय ऊर्जा माना जाए, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन में ये परफेक्ट लग रहा है, बी नंबर ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या आता है? अगला क्वेश्चन है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस है? तो बच्चों हमने पढ़ाया था आपको कि उत्तल को कहते हैं अभिसारी और अवतल को कहते हैं अपसारी, ठीक है? अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? पहले बच्चों मैंने कई बार आपको बताया था कि प्रकाश के प्राथमिक रंग तीन होते हैं, लाल, हरा और नीला। क्वेश्चन है कि प्रकाश के प्राथमिक वर्ण मतलब रंग कौन से है? तो लाल है, नीला है और हरा है, तो सभी हो जाएंगे ना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अपने सभी दोस्तों को शेयर करके बुलाइए, सबको बोलिए फटाफट टेस्ट देगा। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? आपने पढ़ा होगा कि आयरिस जो होता है ना नेत्र का रंगीन भाग होता है, आयरिस, जिसको हिंदी में हम लोग परिताड़िका कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? परिताड़िका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, 1 HP इज इक्वल टू क्या होता है? 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है? मैंने कई बार आपको बताया 746 वाट होता है 1 हॉर्स पावर बराबर। नेक्स्ट है, कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा गया था, कहते हैं बच्चों कि विशालक शीशा है ना, विशालक शीशा यानी है ना, यानी मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। तो बच्चों मैग्नीफाइंग विशालक शीशा जो होता है वो उत्तल लेंस होना चाहिए ना, उत्तल लेंस होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिए क्या होना चाहिए, बहुत दिन से नहीं पढ़ा ये क्वेश्चन, तो आप लोग थोड़ा सा मुझे डाउट है, बता देना बच्चा क्या होगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन होते हैं? जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर पूछा गया है कि एम्पियर घंटा किसका मात्रक? देखो एम्पियर सिर्फ पूछे ना, तो एम्पियर होता है विद्युत धारा का मात्रक। किसका होता है? विद्युत का मात्रक, लेकिन एम्पियर घंटा जो होता है ना वो आवेश का होता है, याद रखना। ये कोई नया बात मैंने शायद बताया आपको, शायद नया बात है आपके लिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाट के बराबर होता है? तो वाट क्या होता है बच्चों? वाट बराबर होता है जूल प्रति सेकंड, है ना? वाट बराबर क्या होता है? जूल प्रति सेकंड होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है? 23वां क्वेश्चन है, 24वां बच्चों, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? बहुत अच्छे से पढ़े आप लोगों ने कि विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा होता है ना? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 उत्तरदायी होता है ना? हाँ, ग्लोबल वार्मिंग के लिए, और ओजोन परत के क्षय के लिए CFC होता है। कहते हैं शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? ऐसा लगता है जैसे कि प्यारे बच्चों मैंने ही क्वेश्चन बनाया है, जितने क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ाए हैं सारे क्वेश्चंस यहाँ पर नजर आ रहे हैं, सारे क्वेश्चंस आपके लिए नजर आ रहे हैं। कहते हैं कि शरीर में भोजन का पचना क्या है बच्चों? उपचयन अभिक्रिया होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है।
अगला क्वेश्चन हमारे सामने, कली चूना पर जब जल प्रभावित किया जाता है तो क्या होता है? देखो, जब भी कली चूना के ऊपर में जल फेंकोगे ना, तो ऊष्मा निकलता है, और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकले हम उसे कहते हैं ऊष्मा छेपी, विस्फोटक तो नहीं कहना जी। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? इसको देखो, सबसे क्रियाशील कौन है बच्चों? तो कॉपर सबसे क्रियाशील है। इसमें ये जो आप ऑप्शन देख रहे हैं ना, इसमें कॉपर सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चूना, सिर्फ चूना नहीं बोला, साथ में जल बोला है। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये है बच्चों, बिना बुझा, तो इसमें जल तो है ही नहीं, जल मिल जाने पर बुझ जाता है, तो बुझा हुआ चूना है, CaOH का होल टू, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, चलो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 30 देखें, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। बच्चों, लाल को नीला करोगे ना तो आप क्षार हो, इसका मतलब क्षार हो। इसका पीएच वैल्यू क्या होगा? 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, क्योंकि 7 से ज़्यादा जो भी है वो सब क्षार होता है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि है ना, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में कितने आबंध होते हैं? पहले बच्चों मैंने बताया, एल्केन के बीच में एक होता है, एल्कीन के बीच में दो होता है, एल्काइन के बीच में तीन होता है, इस चीज़ को भूलना मत। ठीक है, एल्काइन का फार्मूला क्या होता है? हाँ, सही सोचा आपने, क्या सोचा आपने मन में कि सर जी CN होता है, H का 2N होता है और माइनस का 2 होता है, तो इसके बीच में तीन होते हैं, कितने होते हैं? तीन। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ध्यान से देखना, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? वाह, क्या कमाल का क्वेश्चन है, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? प्यारे बच्चों, C6H12O6 होता है ग्लूकोज का। क्वेश्चन नंबर 33 में चलते हैं, देखो 70 क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए ना कहते हैं 70 क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए और हमें बनाना पड़े बच्चों, सॉरी 80 क्वेश्चन आ जाए, 40 बनाना पड़े, तो कितना प्यारा क्वेश्चन है, देखो मजा आएगा ना। कहते हैं बच्चों, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण, जब भी सोडियम लवण बोले बच्चों समझ लेना साबुन होता है, क्या होता है? साबुन होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि CHO, बहुत बार मैंने पढ़ा है कि CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? CHO जो अभिक्रियाशील मूलक है वो किसका होता है? वो एल्डिहाइड का होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की त्रिज्या क्या होती है? मैंने पढ़ाया है, ऊपर से नीचे आओगे तो परमाणु की त्रिज्या का साइज बढ़ेगा, बाएं से दाएं जाओगे घटेगा, तो बच्चों घटती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि निम्नलिखित तत्वों में उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं, यानी बच्चों जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे अधातु गुण बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि फ्लोरीन जो होता है ना उसमें अधातु गुण ज़्यादा होता है, उसके नीचे आओगे तो क्लोरीन होगा, उसके नीचे और आओगे तो आयोडीन मिलेगा, ठीक है ना, तो नीचे आने से और आपका गुण घटेगा, तो सबसे ज़्यादा जो अधातु गुण होता है वो फ्लोरीन में होता है बच्चों। तो यहाँ बोला गया क्वेश्चन कि बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम मतलब क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं भाई साहब 2 है 3 है 8 है 6 है, इसको बढ़ते क्रम में सजाओ, तो आप लिखोगे सर सबसे पहले छोटा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद सबसे बड़ा, यानी कि सबसे बड़ा को बढ़ते क्रम में हम लास्ट में रखते हैं। और आपने पढ़ा है कि आवर्त सारणी में जो फ्लोरीन होता है ना वो सबसे ज़्यादा अधातु गुण वाला होता है, तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन लास्ट में होना चाहिए। फ्लोरीन लास्ट में है क्या? नहीं सर यहाँ है क्या? नहीं सर यहाँ है क्या? नहीं है। इसका मतलब है बच्चों फ्लोरीन ये लास्ट में है, ये जो है ना ये बढ़ते क्रम में अधातु गुण होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 37 है, सिलिकॉन क्या है बच्चों? सिलिकॉन लिखा दिया, इसी को सिलिकॉन कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग सिलिकॉन कहते हैं, ठीक है, तो सिलिकॉन क्या होता है? ऑप्शन में देख लो ना क्या होता है, उपधातु होता है बच्चों, उपधातु होता है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत धनात्मक है? देखिए बच्चों विद्युत धनात्मक कौन होते हैं? जो धातु होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, और इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाले विद्युत धनात्मक होते हैं, तो धातु जो होंगे वो विद्युत धनात्मक होंगे। क्लोरीन एक अधातु है, कार्बन एक अधातु है ना, फास्फोरस एक अधातु है बच्चों, सोडियम एक धातु है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में हुआ है? टिहरी बांध बच्चों केमिस्ट्री में क्वेश्चन है, अंतिम चैप्टर में, टिहरी बांध उत्तराखंड, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आधा क्वेश्चन खत्म होने वाला है, 40 जैसे ही होगा। क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं? तो प्यारे बच्चों केरोसिन तेल में हम किसे डुबोते हैं बताओ? सोडियम को, ठीक है,
ऑप्शंस कहाँ है देखो, सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है। तो बच्चों ऑप्शन देखो, मैग्नीशियम नहीं होता भाई, पोट है ना, सोडियम होता है, ऑप्शन नंबर बी। तो पहले ये बताओ 40 क्वेश्चंस में से आपके क्या स्कोर रहे, है ना? जो लोग प्रीमियर में देख रहे हो वीडियो को, मुझे लग रहा है 40 में आपका 40 आया होगा, नहीं तो 35 तो आ ही गया होगा, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ईजी थे। आपने पूरा साइंस पढ़ा है, कोई मजाक नहीं चल रहा है यहाँ। हाँ लगाओ, नहीं लगाते हो तो कमी है तुम्हारे अंदर। अपमार्जक से बनाए जाते हैं बच्चों, अपमार्जक से आप सर्फ एक्सल बना सकते हो, शैम्पू बना सकते हो, इजी सरफ बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, सभी बना सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या आता है कि सोर सेल में किसका उपयोग होता है? भाई साहब देखो, सोर सेल में हमने कई बार आपको पढ़ाया है कि सोर सेल जो होता है ना, उसमें सिलिकॉन होता है, Si14 होता है। अगला क्वेश्चन लिखा गया, निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने में नहीं कर सकते हैं? पढ़ा दिया आप लोगों को ना, किसका उपयोग खाना बनाने में आप नहीं कर सकते। आप बोलोगे सर जी CNG का उपयोग खाना बनाने में तो बिल्कुल नहीं कर सकते हम। अगला देखो, 2CO+ में O2, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन का योग हो रहा है बच्चों, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, योग हो रहा है। अब बताओ इसे क्या कहेंगे? तो कहेंगे सर जी जब ऑक्सीजन का योग होता है ना, तो हम इसमें देखो ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है किसका, कॉपर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा संतुलित नहीं है बच्चों? और जो देखते हैं संतुलित कौन सा नहीं है, हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन दो, क्लोरीन दो, क्लोरीन दो, बहुत बढ़िया ये संतुलित है। हाइड्रोजन चार, हाइड्रोजन चार, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो, संतुलित है। चलो बच्चों, पोटेशियम दो, पोटेशियम दो, क्लोरीन दो, क्लोरीन दो, ऑक्सीजन दो तिया छः, संतुलित है। तो कौन सा नहीं है बच्चों? बी नंबर नहीं होगा, नहीं होगा बी नंबर, जब ये सब है तो बी नंबर नहीं होगा, सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि उदासीन विलयन का pH वैल्यू क्या होता है? उदासीन का 7 होता है, हम लोग बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, उदासीन का कितना होता है, 7 हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल है? मैं जब आपको पढ़ा रहा था प्यारे बच्चों, HNO3 नाइट्रिक अम्ल जो है, ये क्या होता है, एक प्रबल अम्ल होता है। HCl एक प्रबल अम्ल होता है, H2SO4 पर प्रबल होता है। ये मैं जब आपको प्रबल पढ़ा रहा था तो मैं तीन ऑप्शन देता था आपको कि प्रबल अम्ल में एक होता है HCl, H2SO4 और HNO3, HNO3। तो बच्चों यही तो तीन हैं जो प्रबल हैं, और जो दुर्बल हैं वो कौन है, मैंने बोला था कार्बन। जहाँ देखो यही बच्चों एसिटिक अम्ल है, CH3COOH, जहाँ पर दुर्बल, देखो जहाँ पर कार्बन आ जाता है ना, वहाँ दुर्बल हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका दुर्बल है। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन में, कहते हैं क्रायोलाइट किसका अयस्क है? तो बच्चों क्रायोलाइट देखो, तांबा का कोई अयस्क मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, लोहा का अयस्क है ना मैंने पढ़ाया, मैग्नेटाइट हेमेटाइट, ठीक है ना, मैग्नीशियम का कोई अयस्क है नहीं बच्चों, बचता कौन है, मैग्ने है ना, एल्यूमिनियम। तो क्रायोलाइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, जैसे बॉक्साइट भी एल्यूमिनियम का अयस्क है, जैसे सिनेबार पारे का अयस्क है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है पोटेशियम की परमाणु संख्या होती है, कितना प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है, क्लोरीन की 17, आर्गन की 18, कैल्शियम की 20। कहते हैं फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? बच्चों फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल पहले होता किस में, लाल चींटी के डंक में या मधुमक्खी के डंक में? फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम होता है मैथेनोइक अम्ल, है ना, और मेरे ख्याल से एसिडिक अम्ल का IUPAC नाम होता है एथेनोइक अम्ल, एसिडिक अम्ल का। अगला क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है, क्वेश्चन पूछा गया। तो इथाइल अल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH, है ना, याद रख लेना, C2H5OH, ये होता है इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हमारे पास कि एल्काइन का फार्मूला कौन सा है, सॉरी बच्चों एल्काइन इसमें कौन सा है? देखो एल्काइन जो है ना इसमें कौन सा है, खोजना बड़ी बहुत आसान है। एल्काइन का फार्मूला क्या होता है? आप बोलोगे सर CN H2N और -2। अब इसमें बैठा के देख लो बच्चों, जो है ना जो बैठ जाए। कहते हैं अगर मैं C2H2 लिखा है, अगर 2 रखता हूँ, N का मान 2 रखता हूँ, तो H का मान रखना होगा 2 × 2 माइनस का 2, 2 × 2 = 4 में से गया 2, C2H2। अरे पहला वाला ही आंसर है, पहला वाला ही एल्काइन है। दूसरा चेक करके देख लेते हैं, दूसरा C2H6, नहीं ये तो एल्केन है बच्चों, ये तो एल्केन है, यस सर, ये वाला देखो CH4 भी तो एल्केन है, CH4 सर मेथेन का सूत्र होता है। अगला है C2H2, यानी CnH2n, CnH2n बच्चों याद कीजिए एल्कीन का फार्मूला है, किसका, एल्कीन का, तो ये एल्कीन में चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, चीनी का रासायनिक सूत्र, अब दुनिया में यही बचा था जी, इतना आसान क्वेश्चन है, C6H12, ये ग्लूकोज का होता है, चीनी का होता है C12, है
है ना। सी वाला, चीनी ज़्यादा मीठा होता है तो कार्बन ज़्यादा होगा ना। हाँ सर, कहते हैं एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। सॉरी बच्चों, इस क्वेश्चन के लिए है ना एसिटिलीन का पहले फार्मूला देखना होगा। एसिटिलीन का फार्मूला क्या होता है? एसिटिलीन, एसिटिलीन का, ठीक है ना। सॉरी ये चीज़ अभी हमारे दिमाग में नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर भर देना, ठीक है। ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं, बस बहुत दिनों से नहीं पढ़ा है तो ये वाला हो जाता है, ऑल सब्जेक्ट पढ़ाना होता है मुझे, ठीक है। देख लेना एक बार, एसिटिलीन कितना होना चाहिए, एसिटिलीन। अरे सर जी क्या बात करते हो, जैसे सर इसका होता ना एल्कीन का, है ना, एल्कीन का होता ना एल्केन, एल्कीन जैसे एल्कीन का होता है उसे एसिटिलीन का होता होगा, दो होता होगा सर, पता नहीं कंफर्म नहीं है, पर मैं मुझे लग रहा है ऐसे कि ये दो होना चाहिए, ऐसा लग रहा है मुझे। देख लेना एक बार आप लोग, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, बता दो मैं पहले, फिर मत बोलना सर गलत पढ़ा रहे हो, मैंने पढ़ाया ही नहीं इसको। अगला क्वेश्चन है, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज कौन से हैं। तो बच्चों श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज, ये भी नॉर्मली हम लोग नहीं पढ़ते इस क्वेश्चन को, लेकिन कहीं पर दिया गया इसके बारे में चर्चा है कि श्वसन के अध्ययन के लिए कौन सा बीज चाहिए। तो बच्चों अंकुरित बीज होना चाहिए, कुचला तो नहीं होगा ना, कुचला तो नहीं होगा और सूखा भी नहीं होगा। श्वसन का अध्ययन करना है तो सूखा बीज लेके क्या करोगे आप? दो ही ऑप्शन बचते हैं, एक अंकुरित बचता है और दूसरा उबला हुआ बचता है। आई थिंक बच्चों अंकुरित होना चाहिए, ठीक है ना। चलो दो तीन क्वेश्चन में गुरुजी आपने कन्फ्यूजन कर दिया, नहीं बच्चों कन्फ्यूजन नहीं किया मैंने, छोड़ दिया साफ, है ना। क्वेश्चन है कि मानव वृक्क की प्रणाली का हिस्सा है, मानव का जो वृक्क है ना किडनी, वो किसका हिस्सा है? तो वो उत्सर्जन का हिस्सा है। मैंने कहीं पर अपने गुरु जी से सीखा था, गुरु जी ने बताया था मुझे कि देखो चाहो आप मतलब छोड़ दो वो ठीक है, पर गलत मत बताओ, ठीक है। तो जहाँ तक मेरी कोशिश होती है मैं कह देता हूँ दिल से, बच्चों ये नहीं आता है मुझे, बात खत्म, झूठ मूठ का फंसाना मुझे नहीं आता। कहते हैं बच्चों कि पौधों में जाइलम किसके लिए होता है, जाइलम किस कार्य के लिए उत्तरदायी होता है? जाइलम बच्चों जल के लिए होता है, पानी के लिए जाइलम होता है। अगला क्वेश्चन लिखा गया हमारा, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। ये कितना आसान क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान बच्चों कौन सी गैस निकलती है। देखो अब ये श्वसन यहाँ पर भी खतरनाक क्वेश्चन है, श्वसन अगर पौधों में होगा तो बच्चों उनका अलग गैस होता है, हमारा अलग गैस होता है, पर हम मानते हैं कि इंसान के बारे में चर्चा हो रही है, तो हमारे पास है ना, हमारे क्या निकलता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है। तो फलों को पकने में नियंत्रण किसका होता है? तो बच्चों एथिलीन हार्मोन का होता है, गैस के रूप में होता है, पढ़ा चुके हैं। कहते हैं न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है क्या कहलाता है। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है बच्चों उसे कहते हैं है ना डेंट, है ना, क्या बोलते हैं, डेंट्राइट कहते हैं। नहीं पढ़ाया मैंने आपको कभी, लेकिन मुझे पता है इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना, उसे हम लोग डेंट्राइट, है ना, डेंट्राइट कहते हैं, डेंट्राइट। अगला क्वेश्चन नंबर 61 आता है, निम्नलिखित में से कौन आपातकाल हार्मोन है। बच्चों एकदम इमरजेंसी हार्मोन होता है एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन क्या होता है ना, एक इमरजेंसी हार्मोन होता है, एड्रीनेलिन एकदम आपातकाल में आएगा बच्चों, हाँ तुरंत खत्म भी हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। देखो मैंने पढ़ाया है कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है बच्चों, अनैच्छिक क्रिया जो अपने आप हो जाती है, अचानक हो जाती है, वह नहीं है। उल्टी यानी वमन अपने आप होता है, अत्यधिक लार आना ये अपने आप होता है, इसमें आपका कंट्रोल नहीं होता, दिल की धड़कन ये सब रोक नहीं सकते। चबाना बच्चों, रोक के मत देखना कोई, है ना, रोकोगे तो फिर पता है ना। हाँ सर, अगला आता है मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है। मैंने पढ़ाया है बच्चों कि मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है, 270 दिन होता है। अगला है हमारा गंगा एक्शन प्लान, हाँ यही क्वेश्चन के बारे में कह रहा था एक बार लाइव क्लास में, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था। बच्चों होना चाहिए 1986 ना, हाँ गंगा कार्यान्वयन योजना, नहीं दिया, 71 है, 83 है, 73 है, 85 है, 85 दिया गया है बच्चों, ध्यान से देखना। गंगा एक्शन प्लान ये तो वही है ना, गंगा कार्यान्वयन योजना, गंगा एक्शन प्लान उसी को अंग्रेजी में बोलते हैं गंगा एक्शन प्लान, हिंदी में बोलते हैं गंगा कार्यान्वयन योजना। केमिस्ट्री के बुक में लिखा है 1986, नहीं दिया तो 85 को चुनना हमारा मजबूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन बच्चों इष्ट में होता है, इतनी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। मैंने बताया था ना आपको कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है बच्चों, तो हमारा जो वो होता है ना क्या नाम है इसका, निमोनिया, निमोनिया श्वसन तंत्र से संबंधित है बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा। अरे रुक जाओ, टीबी भी तो है,
पर टीवी में श्वसन तंत्र प्रभावित होता है क्या? खांसी होता है श्वसन, पता नहीं, ये तो कंफर्म है, सी नंबर कंफर्म है, एकदम कंफर्म है, निमोनिया होना चाहिए। अब यहाँ पर बी सी देकर के थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया है, ठीक है सी होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? तो देखो, मनुष्य और जो कुछ मांसाहारी जीव हैं वो सभी सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर सकते हैं। प्रोटीन तो करते ही हैं, वसा तो करते ही हैं, सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर सकते, क्योंकि सेल्यूलोज का पाचन प्यारे बच्चों नहीं कर पाते हम लोग, ठीक है ना। कहते हैं अगला क्वेश्चन है कि ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? बच्चों कहते हैं ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण सबसे बड़ा ये है ना कि ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ने से ब्रेन हेमरेज हो सकता है, यानी हम कह सकते हैं कि हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन नहीं, हाइपरटेंशन, ब्रेन हेमरेज खाली का हृदयघात नहीं बच्चों, हृदयघात से ब्रेन हेमरेज कैसे होगा? हाइपरटेंशन, ऑप्शन नंबर सी, हाइपोटेंशन नहीं, हाइपरटेंशन। निम्नलिखित में से पहना परजीवी पदार्थ का उदाहरण कौन सा है? परजीवी बच्चों, बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया, कवक, ये सब क्या हैं? ये सब कवक तो बच्चों अपघटक हैं, बैक्टीरिया मृतोजीवी हैं, विषाणु मृतोजीवी, ये सब होता है। तो बताए कसकूटा, कसकूटा का पौधा आपने देखा था बच्चों, मैंने एक बार दिखाया था एक बार वीडियो में जब मैं आपको पढ़ा रहा था, बायोलॉजी स्टार्ट किया था, और ये क्या नाम है, जैव प्रक्रम, वहाँ मैंने बताया था कसकूटा एक पौधा होता है जो अन्य पौधों के ऊपर में लत के जैसे बिछ जाता है और उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। तो बच्चों यहाँ पर कसकूटा होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, परजीवी होता है कसकूटा। मैंने पढ़ाया था कि कसकूटा का पौधा परजीवी होता है और गोबर का छत्ता मृतोपजीवी होता है, यानी मृत जीवी पौधा होता है। हाँ याद कीजिए, कहते हैं कि हृदय से सन है ना, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो हृदय से रक्त को पूरे शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? नीलय द्वारा बच्चों। अगला क्वेश्चन आता है, अरे कहाँ जा रहे हो, क्वेश्चन, हाइड्रा में जनन की कौन सी विधि होती है? पहले बच्चों हाइड्रा में होता है मुकुलन, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है जनन संचारित रोग कौन सा है? हाँ ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, बीबीआई है, 23 में आने की पूरी संभावना है। जनन संचारित रोग कौन सा है? तो सब है बच्चों, सिफिलिस है, गेनोरिया है, एड्स हैं, सिफिलिस हैं, गोनोरिया हैं, एड्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? जनन संचारित रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने कि पुष्प का कौन सा है ना, पुष्प का सबसे बाहरी भाग कौन सा होता है? सबसे बाहरी, तो बच्चों किसी भी फूल में सबसे बाहरी होता है बाह्य दलपुंज, उसके बाद होता है दलपुंज, उसके बाद होता है पुष्पासन, उसके बाद होती है फिर बहुत सारी चीज़ें, नहीं पहला होता है बाह्य दलपुंज, फिर होता है पुष्पासन, फिर होता है दलपुंज। अगला क्वेश्चन देखिए कि ब्लड ए का कौन सा एंटीबॉडी होगा बच्चों? तो ब्लड ए का देखो, ये टॉपिक मैंने आपको नहीं पढ़ाया, लेकिन इस यहाँ पर कहाँ से डाला गया पता नहीं, डाल दिया गया है कि ब्लड ए का एंटीबॉडी क्या होता है। ब्लड ए का एंटीबॉडी बच्चों बी होता है, बी, ब्लड ए का एंटीबॉडी बी होता है, ये मैंने पढ़ा था कहीं पर, ठीक है ना, मैं आपको पढ़ाया नहीं हूँ, मैंने शायद किसी बुक में पढ़ा था ये चीज़। अगला क्वेश्चन देखो, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नियंत्रित नहीं करता है? बच्चों ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है इंसुलिन, नंबर एक, अगर बोलता कौन करता है तो इंसुलिन सही होता, नहीं करता है, इंसुलिन करता है, गैक्सटीन करता है, ये दोनों करता है, ग्लूकोज है ना, ग्लूकागन भी करता होगा, उम्मीद है, उम्मीद है बच्चों कि ये हमारा क्या लिखा है, सेमो टोस्टेरिन नहीं करता होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पादप वृद्धि हार्मोन कौन सा है? मैंने पढ़ा था वृद्धि हार्मोन दो हैं बच्चों, पादप यानी पौधों में पाए जाने वाले, एक है ऑक्सिन, दूसरा है जिब्रेलिन, ठीक है ना, जल्दी बताओ ऑप्शन में, तो ये सब इंसुलिन तो इंसान में होता है ना, अंतस्थ है ना, हार्मोन स्रावित होते हैं, देखो मैंने बताया था ना हार्मोन जो शरीर में होते हैं बच्चों, उसके एक बूंद भी आपकी पूरी दिमाग मतलब पूरा शरीर बॉडी सिस्टम को का बिहेवियर चेंज कर सकता है एक बूंद हार्मोन का। हार्मोन कहाँ बहता है? तो हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों में बहता है, हार्मोन हमेशा अंतःस्रावी, समझ, तो एक होता है बहिर्स्रावी, एक होता है अंतःस्रावी, अंतःस्रावी मतलब ये ब्लड मतलब कि किसके अंदर, नस के अंदर बहता है, बाहर नहीं बहता ये। अगला, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियाँ होती हैं? मैंने पढ़ाया कि मनुष्य के मुख गुहे में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि एंड्रोजन क्या है? एक होता है एंड्रोजन, एक होता है एस्ट्रोजन, एंड्रोजन बताओ किस में होता है, नर में या मादा में? आप बोलोगे सर एंड्रोजन होता है नरलिंग हार्मोन है, नरलिंग हार्मोन है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं प्यारे बच्चों कि मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? तो मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? बच्चों मटर के पौधे को चुनने वाले कौन थे? मेंडल ने थे, जिन्होंने अलग अलग वराइटीज़ के 7 जोड़े मटर के पौधे को चुना था, ठीक है ना।
तो 80 क्वेश्चन में गुरुजी खुद 3-4 क्वेश्चंस में फंस गए, ठीक है ना, 3-4 क्वेश्चन में फंस गए। अब देखो मैं ना, मतलब स्वाभाविक होता है कि मैं कोई चीज़ को लेकर आता हूँ डायरेक्ट बनाने लगता हूँ। मैंने कभी इस बात की परवाह नहीं करता हूँ कि मैं बीच में फंस जाऊँगा, बच्चे क्या सोचेंगे, कभी नहीं सोचता हूँ ऐसा। अगर मैं सोचता ऐसा तो पहले पढ़ के आता, ठीक है। मुझे क्योंकि इतना काम होता है कि ये टाइम नहीं मिलता मुझे कि पढ़ के आना, ये वो, बस आया पढ़ा दिया। अब कहीं छूटा होता है तो फिर जहाँ फंसा तो मैं बोल देता हूँ बच्चा इसमें कोई डाउट है या मुझे सॉरी इसके लिए, ठीक है। और ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। मैं अन्य जो भी शिक्षक पढ़ाते हैं, मुझसे बात करते हैं कभी, जो हमसे भी नए हैं स्टार्टिंग करते हैं, मैं उन्हें कहता भी हूँ कि देखो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है हमारा, कि अगर आप फंस जाते हैं कहीं पर तो कोई बड़ी शर्म की बात नहीं है। हर कोई होता है, इंसानी दिमाग है, हम सोचते हैं तो चीज़ें, गलतियाँ भी कभी कभी हो जाती हैं, बड़े बड़ों से गलतियाँ होती हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा देखना चाहिए। खैर मुझे भी पढ़ के आना चाहिए, मेरी भी गलती है, मैं मानता हूँ इस बात को, ठीक है। आप लोग बताना जी कितने क्वेश्चन सही हुए, मुझे पूर्ण भरोसा है कि लगभग लगभग आप लोग के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हुए होंगे, ठीक है ना। एक और वीडियो में मैं प्रयास करूँगा इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवा दूँ, एक नेक्स्ट वीडियो में प्रयास करूँगा, देखता हूँ नेक्स्ट, अभी तो इसमें बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलो तो सब लोग कमेंट करना प्यारे बच्चों, कि आपका 2-4 क्वेश्चन अगर छोड़ दूँ बच्चों, डाउट वाले क्वेश्चन, मान लो 5 क्वेश्चन छोड़ दूँ तो 75 में से आपका स्कोर कितना रहा। दूसरी बात है, इस वीडियो का लाइक के लिए मैं टारगेट रखता हूँ बच्चों, कम से कम 24 घंटे के अंदर 3 के लाइक होने चाहिए। दूसरा है शेयर की संख्या, हर एक बच्चा करेगा इस वीडियो को शेयर, हर बच्चा, तो शेयर कम से कम 2 के शेयर होना चाहिए, हर कोई शेयर करेगा एकदम, मेरी वीडियो देखते हो तो शेयर करना पड़ेगा, बस शेयर चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए आपसे, शेयर चाहिए बस, ठीक है ना। और दूसरी बात है, जो लोग हमारे पेड व्हाट्सएप क्लास में जुड़े हैं, ये वाला हम उसको डाल देंगे व्हाट्सएप पर, ये PDF आप लोग देख लेना, PDF भी आपके व्हाट्सएप पर डाल दिया जाएगा, आप लोग देख लेना बच्चों। जो लोग नहीं जुड़े हैं, जुड़ने के लिए 7700870743 पर अभी कॉल कीजिए, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम से अपना फ़ी जमा कीजिए, 251 रुपये। और बच्चों आपको गैस क्वेश्चन भी इसी में मिलेगा, इसी में डेली PDF जो पढ़ाते हैं, कुछ भी पढ़ाएं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट सब मिलेगा, गैस क्वेश्चन भी मिलेंगे, लास्ट में मेरा सपोर्ट भी, हर चीज़ मिलेगा। और बाकी आपका स्कोर क्या, ज़रूर कमेंट कीजिएगा, कमेंट भी कम से कम इस वीडियो में 1K तो कमेंट होने ही चाहिए, ठीक है। लवी बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारी हर वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद जी।